इसको ऑटो पे कर दूंगा तो अपने आप रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो मैंने फुल सब डिविजन लेवल को हाई कर दिया और मैंने देखो मैंने इसमें चार लेयर बनाते रखे हैं। ओके चार लेयर किया क्या है, जो फर्स्ट लेयर है ये मेरा डिस्क्रिप्शन मैप से आया है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन मैप बनाया है और डिस्क्रिप्शन मैप जो मैंने बनाया है, मैंने जो प्रोजेक्ट किया है, मैंने एक टेक्सचर प्रोजेक्ट नहीं किया, मैंने मल्टीपल टेक्सचर प्रोजेक्ट किए हैं। जब मल्टीपल टेक्सचर लेकिन जूम करेंगे इससे देखोगे एक लाइंस वाला तुम्हें दिखता होगा, लाइंस लाइंस लाइंस, एक तुम्हें नॉइज नॉइज गोल 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 जो डॉट स्किन पोर्ट है वो है। तो दो तीन टेक्सचर मैंने कंबाइन किया है यहाँ पे। फिर मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे निप्पल के लिए मैंने अलग से मैंने इस टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। फिर मैंने अगर जूम करूंगा फेस पे, फेस पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बस थोड़ा बहुत अनइवननेस है जो फेस पे देख सकते हो, अनइवननेस है, थोड़ा बहुत लाइन पॉइंट ऐड किया है। ये मैंने ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से किया है। उसके बाद मैंने उससे एक और लेयर ऐड किया जिससे मैंने ये मैनुअली बनाया है। अगर मैं फर्स्ट लेयर को ऑफ करता हूँ, ये मैंने अलग से देखो सिर्फ फेस से ही किया है, ये मैंने मतलब मैनुअली अल्फा के साथ जी ब्रश में ही किया है। इसके लिए मैंने कोई मैप नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, ये बनाया तो दो लेयर कंबाइन किया। तो मैं हर हर एक लेयर को सेपरेट कुछ दिखाई दे पहले किया क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, नो नीड टू वरी। फिर मैंने एक और लेयर बनाया जिसे मैंने जो चीक यूजली हमारे चीक नोज या फोरहेड या जो अपर लिप वाला एरिया होता है जो जहाँ पे हमारे पोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेयर बनाया। देन उसके बाद मैंने एक और लेयर बनाया जिसपे मैंने कुछ करना, हाँ जिसपे मैंने जो वॉल्यूम है वो ऐड करना स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वॉल्यूम का। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जब कर दिया वो टेक्सचर वो तुम्हारा हाई पॉली नहीं बन गया, उसके बाद भी बहुत सारा काम है। डिस्क्रिप्शन सिर्फ तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक डिटेल दे देता है, उसके बाद बहुत सारा काम करना होता है। तो करके दिखाता मैं पूरा मतलब पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं दिखाता हूँ ऑन करके। तो सब कुछ ऑन कर दिया, अब चारों लेयर ऑन है मेरे। अगर मैं जूम करूंगा तो कभी ऐसी काफी स्ट्रॉन्ग है, उसको मैं लेयर से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को सेकंड वाला लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं लेयर पे क्लिक करूंगा 0.5 थोड़ा सा देखो सॉफ्ट हो गया। अब मेरे को लेयर थर्ड पे मैं हर लेयर को नेमिंग भी कर सकता हूँ, जिसमें मेरे पोर्स वाले डिटेल है, मैं उसको क्लिक करके 0.7 कर दिया, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, थोड़ा स्मूथ हो गया। इसी तरीके से पूरे के पूरे बॉडी पे हमें बहुत सारा काम करना है। अब देखो अगर मैं ये वाला पार्ट तुम्हें दिखाऊं, अगर मैं ये लिटिल ऑफ कर दूं, पूरा फ्लैट है। जैसे मैंने उसके ऊपर अलग से लेयर बनाया उसको मैंने, जिसमें वॉल्यूम आ गया है, तो ये थोड़ा 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 छोटी चीजें हमें ऐड करना होता है। तो मैं तुम्हें इसका पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कैसे किया। मैं सारे लेयर ऑफ कर देता हूँ। सारे लेयर ऑफ कर दिए मैंने। सारे लेयर ऑफ करने के बाद अभी सबसे पहले जो हम करते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट मैप मैंने बना लिया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेयर्स में जाऊंगा, मेक श्योर कि हमारा जो सब डिविजन लेवल सबसे हाईएस्ट पे हो। देन लेयर्स पे जाऊंगा, एक नया लेयर बनाऊंगा मैं, ब्रांड न्यू क्लीन लेयर जिसमें कोई डिटेल नहीं है। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट करना है इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट में जाऊंगा, मैंने ये मैप बना के रखा है इस पे, देख सकते हो पूरे बॉडी का पूरे उसका मैंने मैप बना के मैंने जनरेट कर लिया है मैप। ओके ठीक है, तो इसमें अगर से मैप मैं अगर सेपरेटली दिखा दूं, सेपरेटली भी इसमें मैप दिखा देता हूँ मैं क्या किया है मैंने इस पे। ये लोड होने में ऐसा क्यों टाइम लगा रहा है, मैं पीओबी और किसी और में कर सकता हूँ।
देखोगे ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है ऐसा नहीं है कि बहुत क्लीन तरीके से किया है मैंने इस पे, देखो कहीं कहीं पे मैंने ये कर दिया है, फिर मैंने कहीं पे है देखो इसको, ये पूरा टाइलेबल लग रहा है पूरा एक जैसा, मैंने उठा के अप्लाई कर दिया है, स्पीड पे थोड़े मैंने डिटेल ऐड कर दिए हैं, देन मेरा बॉडी वाले पार्ट पे मैंने सिर्फ ये ग्रेन ऐड किए हैं स्किन के, थोड़ा सा ये डॉट वाले और लाइन वाले, देन निप्पल वाले पार्ट पे अलग से निप्पल लगा दिया है मैंने, एल्बो पार्ट पे मैंने एल्बो लगा दिया है, हैंड पे मैंने हैंड लगा दिया है, फेस पे मैंने फेस लगा दिया है, और ये ऑटोमेटिक अनड्रैप किया है मैंने इसको, इसीलिए देखो फेस सर फेस का यूवी इतना क्लीन नहीं है उसका, ऑटोमेटिक किया है वरना मैं हमको मैनुअली करना पड़ेगा पूरा, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो मेरे को ऐसे ही इससे बेस मिल जाएगा मेरे को इससे, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एक मैप बना के मैप सेव कर लिया, मैप बन गया मेरा, तो उसको इस मैप को करने के लिए हमारे पास सर ये मतलब ये आपने मतलब एक एक पार्ट को मतलब फोटोशॉप में वो ले जाके करा था जैसे जेनेरिक बॉडी के लिए। अच्छा मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस दिखाया था, जैसे मैंने इसको अनरैप किया, अनरैप करने के बाद मैं हैंड पे ऐसे मैंने पॉली पेंट किया था, मैंने पॉली पेंट करके मोटा मोटा जो मैक्सिमम पार्ट कर लिया, उसके बाद फोटोशॉप पे लेके मैंने जहां जहां पे खाली है या फिर क्लीन नहीं है मैं फोटोशॉप पे स्टैम्पिंग से या फिर दूसरा टेक्सचर ओवरले करके उसके ऊपर मैंने वो अप्लाई कर दिया। है तो मैंने इस पे क्या किया, देखो अलग अलग लेयर पे मैंने टुकड़ों पे मतलब थोड़े थोड़े काम करके एक लेयर किया जिससे मैंने सारा ये लगा के लगा सब सारे मेरे पॉली पेंट कर दिया, तो उसको मैंने मैप एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एक टाइलेबल मैप लिया और टाइलेबल मैप को लेकर उसके ऊपर मैंने पूरा देखो स्टैम्प कर दिया, दिख रहा होगा टाइलेबल है पूरा स्टैम्प किया हुआ ही है। उसके बाद कुछ कुछ पार्ट्स पे मैंने दोबारा से चीजें थोड़ी मॉडिफाई करी, फिर मैंने एक और लेयर लगाया ये लाइन वाला, एक और लेयर लगाया ये लाइन वाला अलग से रैंडम मतलब रैंडमनेस के लिए, वरना क्या होगा थ्रू आउट वो एक जैसे दिखने में लगेगा, तो मैंने एक और लेयर लगा के थोड़ा सा उसको रैंडम कर दिया। देखो अनइवन है ये, कुछ हर जगह पे है भी नहीं, कहीं कहीं पे लगा दी, कहीं कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा है, तो ये जस्ट रैंडमनेस के लिए है, इसका कोई स्पेसिफिक मैंने डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, कुछ फॉलो नहीं किया, जस्ट रैंडमली बना दिया इसको मैंने। उसके बाद एक और लेयर लेके थोड़ी बहुत मैनुअली जैसे मैंने आंखें वगैरह पेंट कर दी है, ये देखो मैंने आंखें पेंट कर दी है, लिप्स में यहाँ पे व्हाइट लाइन आ रहा था तो वो पोजीशन यूवी के हिसाब से करेक्ट नहीं था, तो मैंने उस लाइन के हिसाब से पेंट कर दिया, आंखों को पेंट कर दिया तो एक ताकि वो एक जैसा हो जाए। देन मैंने पेंट कर दिया, पेंट करने के बाद ये पूरा मैप को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने के बाद मेरा ये मैप आ गया है यहाँ पे, मैं तुम्हें ये वाला मैप ओपन करता हूँ, ये वाला है ओपन हो रहा है। तो जी तो इसमें मैप मेरा यहाँ पे आ गया है, तो उसके बाद देखो एक तो मैंने ये बनाया, ठीक है, एक ये मेरा बेस मैप बन गया, तो इसको मैं क्या करूंगा जी ब्रश पे लेयर मैंने बना दिया है, ये वाला मैप यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड है, मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑन करूंगा और इंटेंसिटी देखो मैंने इसको बहुत ही कम 0.01 पे रखा है, बहुत हल्के इंटेंसिटी पे रखा है इसको, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना है, बहुत हल्के इंटेंसिटी में ही करना है इसको, ठीक है। जब इसको डिस्प्लेसमेंट लगाया मैंने बहुत हल्का इंटेंसिटी में दिख गया कि देखो इसका फेस कलर, फेस का रेजोल्यूशन बहुत कम है तो फेस का ये बहुत खराब आ रहा है। तो ये सब करने से पहले मैंने जो पहले बताया था कि मॉर्फ टारगेट पे जाके मॉर्फ टारगेट स्मूथ वाला सेव कर लेना है, वो मैंने सेव कर लिया, ये लगाया लेयर पे गया, अब मैं इसको क्या करूंगा सॉरी डिस्प्लेसमेंट गया अप्लाई डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा, लेयर मेरा ऑन है, अप्लाई डिस्प्लेसमेंट कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये डिस्प्लेस कर दिया तो, लेकिन देखो अभी ये बिल्कुल लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा है, राइट, फेस बॉडी के हिसाब से फेस पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, मेरे को इतना प्रोमिनेंट नहीं चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, लेयर पे जाऊंगा, उसी लेयर को ऑन रहेगा, और मैंने मॉर्फ टारगेट ऑलरेडी सेव कर दिया था, मैं मॉर्फ ब्रश लूंगा, मॉर्फ ब्रश लूंगा और इंटेंसिटी बहुत कम कर दूंगा 6-7 से, और इसको मॉर्फ ब्रश से रिड्यूस कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने में काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगा है इसमें, क्योंकि इतने सारे अलग अलग वो एक्सपोर्ट करके निकाल के फिर मर्ज करके फिर टाइलेबल लगा के काफी टाइम लगता है उसमें, तो वो थोड़ा टाइम लगा के बनाना उसको, और ट्राई करना जितना क्लीन बन सकता है उतना क्लीन बनाना। तो देखो मैंने इसको काफी स्मूथ कर दिया ना। सर जो यूवी की फाइल है वो कहाँ से मिलेगी, मतलब यूवी? अच्छा, तुम्हें यूवी वाली फाइल कैसे मिलेगी? जिसमें आपने पूरी डिस्प्ले लगाई थी, पूरा डिस्प्ले इसमें हम बनाएंगे, हाँ वो वाली फाइल, मतलब कहाँ पे मिलेगी? समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब जिसमें आपने पूरा डिस्प्लेसमेंट मैप लगाया था, हाँ पीएचडी फाइल, वो पीएचडी फाइल। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस फाइल के सबसे लोएस्ट डिवीजन पे गया और बिल्कुल लो पॉली बन गया, इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, देखो फॉर डिस्प्लेसमेंट नाम से एक अलग से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इस फाइल को मैंने माया में ओपन कर लिया और उसका यूवी सेव कर लिया। बस एक ओबीजे है जिससे मैं इसको माया में ओपन करूंगा तो मेरे को इसका ओबीजे दिख जाएगा, इसका यूवी दिख जाएगा, तो लोएस्ट डिवीजन पे जाएंगे और इसका यूवी चेक करेंगे तो मेरे को दिखेगा कि इसका यूवी है, तो इसका यूवी मैंने वहां से निकाल दिया, तो मेरे को यूवी का पोजीशन मिल गया, और बाकी तो मैं पेंट 3D पे ही कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूवी कहाँ पे है ना, 3D पे पेंट करके वैसे करके, तो वहां से मैंने यूवी निकाल दिया, निकाल के यूवी के साथ पेंट कर दिया। और सर जो मतलब हम मतलब माया में जाके जो हम यूवी निकालेंगे उसमें मतलब जो हमने पहले हाथ पे मतलब जो पॉली पेंट किया था लास्ट टाइम वो उसमें पहले से ही होगा? नहीं 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 वो नहीं होगा, उसका टेक्सचर हमें निकालना, तुम्हें टेक्सचर निकालना मैंने बताया था, और मैं दोबारा दिखा बता देता हूँ, इसको मैंने ऑफ कर दिया। जैसे मेरे को अभी सुपर कुछ पेंट करना है, ठीक है, तो मैं हाई पॉली हो रहा है, पॉली पेंट के लिए हमको हाई पॉली चाहिए होता है, काफी डिसेंट पॉलीगन होने चाहिए, मैंने कहां से कॉल कर रहा है ये, ओ लेयर ऑन है, सर लेयर ऑन है, हाँ लेयर ऑन है, एंड इसको मैं हाई पे ले आता हूँ, जाएंगे ये ऑफ, ये सर करेक्ट, फिर ऑफ कर दिया, इसमें भी तो ऑफ कर दिया, अरे यहाँ कहाँ से था, ट्रेन बिल कैसे शो कर रहा है, नहीं डिस्प्लेसमेंट भी ऑन नहीं है, आई गेस कोई बग है ये चीज का, तो मैं इसको ऑफ कर दूं, ये देखो ऑफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऑफ है, लेयर भी ऑफ है, अब डबल हो गई है, ये पता नहीं कैसे शो कर रहा है, मैं फिर ओपन कर लेता हूँ, मतलब सर मैंने मतलब हैंड पे पॉली पेंट कर लिया, फेस पे भी कर लिया, उसके बाद मैंने अनरैप भी कर लिया, मैं मतलब इस फाइल को आगे कैसे फॉरवर्ड करूँ?
हाँ तो उसको मैं क्या बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ तो मैंने क्या किया उसके बाद, मतलब करना क्या है वो मेरे को समझ में आ गया, बट करना कैसे है मतलब वो चीज थोड़ी कैसे करना है, कैसे कैसे करना है। हाँ मैं वो वही बता एक्सप्लेन करता हूँ। तो लूप वाली मैंने इसका एक्सट्रैक्ट कर लिया और इस पर मैंने हैंड का और इसका बना लिया, इस पर प्रोजेक्ट कर लिया। हाँ जी। उसके बाद क्या किया मैंने, हाँ उसके बाद और समझ गया मैं एग्जैक्टली पूछ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने PSG बना ली मैंने उसकी, उसको दो उस, मैंने माया से और UV एक्सपोर्ट कर लिया और जो मैंने डिस्प्लेसमेंट के मैप्स बनाए थे वो ले आया मैं यहाँ पे, ठीक है, जो फेस का और हाथ का बनाया वो लेके आया। उसके बाद तो उसको मैंने ओपन किया और ये वाले लेयर्स, मैंने बेसिकली ये वाले लेयर्स कैसे बनाए यही पूछ रहे हो ना, ये जो बीच की जो पूरी फिलिंग कैसे करी है। हाँ जी। तो हाँ तो हाँ जी, जो हमने पहले करा हुआ था। हाँ ये जो हमने अभी तो फिलहाल हमारा बेसिक जितना हमने प्रोजेक्ट किया है उतना प्रोजेक्शन है, बाकी मैं जरा हार्ड डिस्क कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को भी आ गया। मतलब सर जो ये अभी अभी जो मतलब आपने फोटोशॉप में ऑन करा हुआ है ना जो लेयर शो हो रही है, ये लेयर कहाँ से मिलेगी जो ये लेयर मैंने फोटोशॉप में बनाया उसको मैंने उसको मैंने क्योंकि बेसिक हमको फेस का और हाथ का तो हमको क्या बोलते हैं मैनुअली करने में बहुत दिक्कत है, बाकी बॉडी का तो जेनरिक है। तो बॉडी के लिए मैंने क्या किया, ये वाला मैप लिया एक। नहीं सर, हमने मतलब फेस का जो बना लिया था ना, हमने फेस का पहले बना लिया था, वो बना हुआ कहाँ से आएगा? हाँ ये बना हुआ कहाँ से मिलेगा ये? अच्छा अच्छा ZBrush से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ये पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ जी, जो पॉलीपेंट में हमने किया हुआ था वो। हाँ हाँ वो अच्छा मैं वो दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा मेरे को अच्छा कंफ्यूजन हो गया, इसको मैं फुल सब्डिवाइड किया। ठीक है लेयर्स में मैं सब कुछ बंद है, तो अभी मान लो मेरे को कोई कुछ भी प्रोजेक्ट करना है तो मैं फटाक से कुछ बना के ऊपर पेंट करके फटाक से दिखा देता हूँ कैसे एक्सपोर्ट करना है उसको। तो कुछ रंग बिरंगा सा ले लिया मैंने उसमें, स्प्रे ले लिया। तो जैसे हम पॉली पेंट करते हैं पता ही हमको पॉली पेंट करते हैं, Yes. तो RGB लिया मैंने, RGB ऑन है। ओ उसका इससे हमको सबसे पहले सारे बन डिलीट करने पड़ेंगे उनका भी, जैसे मैंने इसको बना दिए हैं तो मैं इसको डिलीट करके फिर दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि जब हम पॉली पेंट कर रहे हो उस टाइम हमारे पास लेयर से कोई लेना देना नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, और टेक्सचर हमारा हो ना हो डजंट मैटर। एंड हमने उस पे पॉली पेंट से हमने क्या बोलते पहले वो ग्रे फिल कर लिया था हमने उस पे, है ना, देन उसके ऊपर हमने कुछ पेंट किया। थोड़ा सा कुछ बना लेते ताकि इनको एग्जैक्टली मालूम पड़े हम कर कर। अब जैसे मैंने डाल दिया, मैंने फिनिश ड्रॉ कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉली पेंट को हमें निकालना है एज ए टेक्सचर, उसके लिए क्या करना, अब ये पॉली पेंट हमारा बन गया तो हम क्या इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे जो यहाँ पॉली पेंट का भी ऑप्शन है अलग से और यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर का भी ऑप्शन है। तो अभी हमको चाहिए टेक्सचर, तो हम जाएंगे टेक्सचर में, टेक्सचर के नीचे देखो क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे उस पर ऑप्शन रहेगा क्रिएट फ्रॉम पॉली पेंट, बट ये चेंज करने से पहले मेक श्योर तुम यहाँ पे यूवी में जाओ, यूवी का साइज चेंज करो जितना बड़ा हो सकता है उतना, सबसे बड़ा 8192 हो सकता है 8K, सबसे ज्यादा बड़ा कर दो उसको मैक्सिमम जितना हो सकता है। कर दिया, टेक्सचर पे गए एंड उसके बाद क्रिएट फ्रॉम पॉली पेंट क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तुमने जितना ज्यादा काम किया होगा उतना टाइम लेगा। तो अब देखो यहाँ पे टेक्सचर बन के आ गया, ठीक है, ये टेक्सचर बन के आ गया, तो इस टेक्सचर को यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं आता है,
बट हमको एक्सपोर्ट करने के लिए इसको क्लोन करना पड़ेगा. क्लोन पे क्लिक करेंगे ये हमारा अल्फा के यहाँ पे आ जाएगा टेक्सचर पे. अब क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है. अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे डेस्कटॉप कर दिया और फिर उसको अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ. मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर दिया तो ये पूछेगा कि तुम्हारा किस क्वालिटी का चाहिए. क्वालिटी 100% फुल कर दो. तुम्हारा क्रॉप का हमें इमेज साइज फुल चाहिए. कुछ भी क्रॉप नहीं करना है तुम्हें. इमेज साइज फाइल साइज बड़ा छोटा हो जो भी है करना है. या कुछ कंट्रास्ट चेंज करना है ये जैसे टिपिकल इमेज चेंज करने जो ऑप्शन होते हैं वो सब करके ओके कर दोगे. अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा पे देखोगे ये देखो ये टेक्सचर मेरा यहाँ पे आ गया. ये टेक्सचर आ गया मेरे पास. इसको मैं यहाँ पे ले आया और जूम करोगे में दिख जाएगा जो हमने पेंट किया है वो हमें एज ए PSD के लेयर के मिल गया है. ऐसे करके लिख गया उसको क्लियर हो गया ना. ओके ओके नो प्रॉब्लम. कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लेना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो इसको मेरे को लगा कि तुम्हें पॉली पेंट वगैरह मालूम है तो ये वाला कुछ मालूम होगा. कोई बात नहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कोई इशू नहीं. यस सर बस तो ऐसे करके PSD लेके आया. उसके बाद मैंने अब जैसे खाली वाला एरिया है खाली वाले एरिया पे मैंने क्या किया कि इसका मैंने इसको एक मैंने पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया. सिलेक्ट किया मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. ये देखो डिफाइन सॉरी ये हमारा वो है राइट क्लिक कंट्रोल डी राइट क्लिक इसको रास्टराइज कर लेंगे. सिलेक्ट ये वाला लेयर और यहाँ पे देखो हमारे पास है ब्रश टीशर्ट नहीं ब्रश टीशर्ट मैंने पैटर्न में कन्वर्ट किया था. पैटर्न का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इमेज ओ 16-bit है इसीलिए क्योंकि जी ब्रश जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 16-bit फाइल एक्सपोर्ट करता है तो उसको मैंने 8-bit में कन्वर्ट किया. मैंने 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 पहले UV ओपन किया था तो वो 8-bit होता है बाई डिफॉल्ट. तो जो भी हम ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली 8-bit पे कन्वर्ट हो आता है तो इसीलिए वो उसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा था. ओके अब देखो अभी भी नहीं आ रहा है सिलेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है. नहीं पैटर्न सिलेक्शन से ही बनाता है. ओके मैंने बहुत कुछ चेंज बात है तो मर्ज कर दिया कंट्रोल ए ब्रश पैटर्न का. यहाँ देखो पैटर्न का ऑप्शन आ गया. पैटर्न में मैंने इसको स्किन का नाम दे दिया या फिर नाम दो ना दो डजंट मैटर. ओके कर दिया ये हो गया मेरा बन गया प्रीसेट. अब यहाँ पे गया मैं इसको मैंने डिलीट कर दिया इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. पैटर्न से मैंने इस पर पैटर्न लगा दिया तो लास्ट जो पैटर्न तुमने बनाया है वही अप्लाई हुआ था उसके ऊपर. तो स्केल छोटा करना है बड़ा करना है ऐसे करके मैं पूरा स्केल डाउन कर लिया इसको ताकि थोड़ा डेंस हो जाए. और उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर्टी रिड्यूस करके इस वाले लेयर को रास्टराइज किया. देन मैंने पॉपेट ट्रैप मालूम होगा ZBrush में फोटोशॉप में. यस सर यस सर यस पॉपेट हाँ तो पॉपेट ट्रैप से तो मेरे को जैसे हाथ वाथ है बॉडी है बॉडी के फ्लो के हिसाब से जहाँ पे ऐसा चाहिए तो मैंने पॉपेट ट्रैप से इसको मैंने मल्टीपल लेयर में किया है एक लेयर में नहीं किया है. एक लेयर में नहीं किया मल्टीपल लेयर में किया है. थोड़ा ऐसे कर्व बनाया है इसको थोड़ा लेग को थोड़ा सा कर्व किया है ताकि थोड़ा सा चीजें लगे कि नेचुरल फ्लो में आ रहा है. ऐसे करके इसको फिल कर दिया मैंने. ये रैंडम फिल है इसमें कोई मैंने स्पेसिफिक वो नहीं है क्योंकि देखो अगर जूम करोगे तो मैं दिखेगा ये सिर्फ डॉट्स हैं सिर्फ डॉट्स हैं तो कोई स्पेसिफिक वो नहीं है. ऐसे करके फिल किया. फिल करने के बाद मल्टीपल लेयर से मैंने वो पूरा ये जितना दिख रहा है ये सारा एक एक लेयर में अलग 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 करके इसको भर दिया. फिर थोड़ा बहुत स्टैम्प कर दिया कहीं कहीं पे मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो रहा है तो वहां पे मैंने थोड़ा ZBrush को थोड़ा दोबारा से पेंट कर लिया. वैसे करके उसको फिल कर दिया. तो करने के बाद इस अब ये वाला मैप को मैं ZBrush पे लेके आया. ओके सर तो इसको मैं अभी अपना फाइल दोबारा से भी ओपन कर लेता हूँ.
क्रॉप कर लिया जैसे कि एलिफेंट डिलीट कर लिया इसको अच्छा यार मैं अपने उसी से भी खत्म हुई थी यार ये वाली फाइल काफी हेवी है अपने कैसे भी पूरे लेयर बनाने हैं अपने उसी लेयर पर खत्म हो जाता है ये हमारा ओपन हो गया अभी इस पे मेरे को अभी सबसे पहले वही सेम प्रोसेस मैं दोबारा फॉलो करूंगा डिस्क्रिप्शन ऑन करूंगा इंटेंसिटी 01 क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया था तो ये दोबारा से आ गया लेयर पे जाएंगे नहीं है तो लेयर बनाएंगे लेयर बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन को हम अप्लाई कर देंगे अभी तक डिस्क्रिप्शन अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर दिया मेरा सेव है लेयर पे जाऊंगा रिकॉर्डिंग मेरा ऑन है एंड मॉस ब्रश लूंगा मॉस ब्रश को इतना कम है बहुत लो इंटेंसिटी पे करना हमें डिटेल तो चाहिए डेफिनेटली हमें डिटेल चाहिए लेकिन हमको ऐसा ना हो कि पूरा फ्लैट हो जाए हमको बिल्कुल सटल डिटेल चाहिए स्किन हमारा पत्थर थोड़ी है जो मतलब इतना रफ होगा राइट तो बहुत ही सटल इंफॉर्मेशन चाहिए तो फटाफट स्मूथ कर देता हूँ क्योंकि स्किन का सबसे मेन वही है कि कितना स्मूथ रखना है और कितना इसको हार्श करना है उससे बैलेंस उसको जितना अच्छे से बैलेंस करेंगे सारा काम उसी का है तो उससे उतना अच्छा डिटेल दिखेगा उतना अच्छा लगेगा बनेगा ये मैंने फिल्टर पे इसको देखो ऑलमोस्ट मैंने नोज वोज सब कुछ काफी हद तक ब्लैक कर दिया तो ऑलमोस्ट काफी क्लीन हो गया काफी क्लीन हो गया ये अभी जैसे मेरे को इस पे हालांकि अभी क्या करना है मेरे को बॉडी पे भी काफी जगह पे स्मूथ चलाना है जैसे नेक पे थोड़ा सा जहाँ जो बोनी एरिया है जहाँ पे बोनी एरिया है मसल थोड़ा सा पम्प्ड आउट है वो एरिया थोड़ा सा स्मूथ रहेगा तो नेचुरली हमारा होता है कि उन एरिया पे क्या होता है कि स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच होती है तो वहाँ पे इतने प्रोमिनेंटली डिटेल दिखते नहीं तो क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं तो ऐसे करके मेरे को सारे पार्ट पे थोड़ा मैं बड़ा ब्रश लेके सिमेट्री ऑन है मेरा इसको बढ़ा लेते हैं 12 अभी 10 मिनट में ये गूगल ये जूम बंद हो जाएगा yes, तो दोबारा स्टार्ट करूंगा ज्वाइन कर देना तो मैंने सारे बोन्स और पार्ट्स से थोड़े से तो स्मूथ आउट कर लिया क्योंकि स्किन में हमारे डिटेल तो है लेकिन इतना भी इसको हार्श नहीं रखना है कि वो देख के पत्थर जैसा लगे तो हम जब बनाएंगे तब थोड़ा सा हार्ड ही बनाएंगे उसको तो मेरे को दिखा कि हाँ देखो ये ऑटोमेटिक अनरैप के चक्कर में अंगूठे का तो वाट लग गई है तो अंगूठे को मैं थोड़ा स्मूथ ही कर दूंगा उसको मैं ताकि उसको मैं मैनुअली फिक्स कर सकूं बोन वाला एरिया थोड़ा सॉफ्ट बोन वाला एरिया थोड़ा सॉफ्ट देन बाइसेप्स वाला एरिया पम्प्ड आउट रहता है तो थोड़ा सॉफ्ट बड़ा ब्रश जल्दी करते हैं रिंकल वाले पार्ट थोड़े छोड़ दूंगा मैं
अंडू ज्यादा हो गए यहाँ पे, पूरा देखो सटल कर दिया, स्मूथ कर दिया ताकि पूरा जो टाइलेबल मैप चल रहा है वो पैटर्न वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा स्मूथ। अब देखो जैसे शीन वाला ये एरिया है हमारा, ये ऑलमोस्ट हमारा एक जैसा लग रहा है दिखने में, तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे इसको। काफ वाले ये देखिए थोड़ा सा यूज कर देंगे, थोड़ा सॉफ्ट, तो ऑलमोस्ट हमारा देखो स्मूथ हो गया। Yes, अगर मैं इसको अभी ऊपर से देखूंगा तो देखो जैसे ये आ रहा है बिल्कुल क्लीन ऐसा सॉफ्ट आएगा, और बाकी हमको जो ऊपर से डिटेल डालना है वो हमें एक और अलग लेयर में डालना है। तो हमने एक बेस लेयर बना लिया, इस पे हमारा बेसिक लगे, इसको मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ। अभी रिकॉर्डिंग हो गई हमारी ऑफ, अब मैं जाऊंगा मेरे फोटोशॉप में, लेयर को मैं ओपन करूंगा। जो हमने बनाया है उसी लेयर को दोबारा से ओपन करेंगे। या अब क्या करूंगा मैं, फिल्टर में जाऊंगा, अदर, हाई पास, हाई पास करूंगा वन और मे बी टू, थोड़े इंटरेस्टिंग मेरे को दिख रहा है, पहले काफी कलर वेरिएशन था अभी उतना नहीं है। थोड़ा सा इसको ऐसा रखेंगे और इसको हाई पास वन टू 2.5, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में नहीं करना है, बहुत हल्के इंटेंसिटी करना है, जाके जूम करेंगे तो ही हमको हल्का दिखेगा। कंट्रोल अगर मैं जेड करता हूँ, देखा ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे डिटेलिंग थी सब दिख रहा है इसमें। तो अभी इसमें सिर्फ लाइंस बचे रह गए, तो लाइंस बचे रह गए तो इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा चाहूँ तो कंट्रोल एल करके और फ्लैट, थोड़ा सा और फ्लैट कर दूंगा। अब इसको मैं सेव कर दूंगा एक और डिस्प्लेसमेंट _02 नाम से, ये मेरे अंगूठे के अंदर ये सेव्ड है। और फाइल को जितना बड़ा हो सके, जितने क्लीन, जितने बड़े साइज सेव करते हो उतने बड़े साइज सेव करना। हाँ, तो सेव कर लिया, बिल्कुल मैक्सिमम क्वालिटी में सेव करना है हमको उसको। अब मेरे को फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोटोशॉप बंद कर दो, काफी मेमोरी नहीं रहेगा। अभी मैं एक और लेयर बनाऊंगा, एक नया लेयर बनाया और डिलीट करता हूँ। तो जब भी मेरे को नया लेयर नया डिटेल बनाना है, मैं पुराने वाले लेयर को ऑफ कर दूंगा और फिर एक नया बनाऊंगा। तो क्या होगा कि मेरे दोनों लेयर मिक्स नहीं होंगे, कि लेयर क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो भी दिख रहा होता है उसको स्टोर करता है। तो अगर मैं पुराना लेयर ऑन रहेगा उसके ऊपर मैं नया लेयर बनाऊंगा तो क्या करेगा, पुराने लेयर को भी रीड कर लेगा और नए लेयर को भी रीड करता है। डबल डबल हो जाएगा और फिर हमें मिलाने में मर्ज करने में दिक्कत होगी। तो मैंने एक नया लेयर बना लिया। अब मैं जाऊंगा मैं दोबारा से डिस्प्लेसमेंट में,
क्लिक करूंगा और इंपोर्ट करूंगा मैं अपना नया मैप जो है मेरा 02 नाम से, ओपन करूंगा उसको। लोड हो रहा है, दिखाता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या उसको। उस वाले लेयर पे मैंने सिर्फ और सिर्फ जितनी भी वॉल्यूम वाली इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन हटा दी। इस वाले में सिर्फ और सिर्फ लाइंस है, डॉट्स है, वो चीज प्रोमिनेंट हो गई है। तो अगर मेरे को चाहिए ये वाला तो मैं इसको रख के इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, तो कि अगर मेरे को फ्यूचर में चाहिए कोई भी पार्ट का लाइन से अगर वापस लाना है या इसको प्रोमिनेंट करना है तो मेरे को वो इस लेयर से मिल जाएगा। ये लेयर सिर्फ और सिर्फ लाइंस की प्रोमिनेंसी के लिए है, वॉल्यूम के लिए नहीं है, ठीक है। इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस होगा हम इस लेयर को इनको रीनेम कर लेंगे, रीनेम कर लेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट रीनेम कर लिया। अब इसको ऑफ कर देंगे, अब इसको मैंने हमने क्या कर दिया ऑफ। ऑफ करने के बाद अभी मेरे को करना है कुछ मैनुअल डिटेलिंग ऐड। तो मैनुअल डिटेलिंग ऐड करने के लिए मुझे अभी क्या करना है, मैं चाहूँ तो बेस मोटर पे थोड़ा काम कर सकते हो, थोड़ा स्मूथ लग रहा है, स्मूथ कर देना चाहिए था, मैं स्मूथ कर देता हूँ उसको, चलो वो तो कर लिया। अब मेरे को करना है थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट, जिसमें मैनुअल एफर्ट मतलब वो भी अल्फा के हेल्प से, अल्फा बिल्कुल मैनुअल जो आएगा, हाँ जो मैनुअल आएगा वो बिल्कुल आखिर में। तो अल्फा के हेल्प से अब मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड ब्रश लूंगा और मैं यहाँ पे लूंगा ड्रैग रेक्टेंगल, टेक्सचर मेरे को नहीं चाहिए, टेक्सचर मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अल्फा से इम्पोर्ट करूंगा, इम्पोर्ट में मैंने मेरे पास कुछ अल्फा इम्पोर्टर ऑलरेडी हैं, जिसमें मैंने टेक्सचरिंग XYZ के अल्फाज यूज किए हैं, तो मेल 40-30 कोई भी एक, इसमें इनके इसमें पूरा का पूरा ये बताते हैं कौन से वाले किसके वाले नंबर कौन से वाले पार्ट से रिलेटेड है। 1, 2, 3 किसी ये 1 to 6 फोर हिट का पार्ट है, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, साइड वाले विंडो पे वन को लिया, ओपन किया, ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूँ मैं बाकी बॉडी को डिलीट कर दूंगा, लाइट कर लेता हूँ। तो अभी देखो, अभी मेरे को इस पार्ट पे काम करना है, तो अभी वो फोरहेड का पार्ट था, मैं ड्रैग करूंगा। सर इन लेयर में करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। मैं ये देखो यहाँ पे मेरा बेसिकली पॉलीपेंट किया था तो ये ऑन था, इसीलिए मेरे को ये करना पड़ेगा। तो अभी मेरे को एक लेयर बनाना पड़ेगा, न्यू लेयर, मतलब आप जितनी भी डिटेलिंग ऐड करेंगे हम सब लेयर में ही करेंगे।